नमस्कार आदाब, मैं हूं फरहान और एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 5 जनवरी का समय कोई नहीं भूल सकता, जिस तरह जेएनयू में आतंकवादियों का एक समूह घुसा और वहां मारपीट की। उस मारपीट के बाद घायल हुए छात्र और छात्राओं के नाम ही दर्ज कराए जाने लगे एफआईआर में। खुद वहां पर वीसी भी कह रहे हैं कि लेफ्ट और राइट के बीच एक भिड़ंत हुई थी, जिसमें लेफ्ट के जो छात्र हैं और जो लेफ्ट से संबंध रखते हैं उन लोगों ने मारपीट की शुरुआत की है। लेकिन आयशी घोष को यदि आप देखें, जो कि अध्यक्ष हैं छात्र संघ की, उनके सर में गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन एफआईआर में उनका भी नाम दर्ज है। अभी बीते दिन पुलिस की आला कमान ने जो जांच कर रही थी, उन्होंने जिस प्रकार की बातें की वह काफ़ी निंदनीय हैं। यदि आप उन बातों को सुनेंगे तो आपको दिखाई देगा एक पक्षपातपूर्ण रवैया, वहाँ निष्पक्ष कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पुलिस की आला कमान ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि उन्हें जो सबूत प्राप्त हुए हैं वह एबीवीपी के छात्रों ने उपलब्ध कराए हैं। अब आप बताइए कि एक ऐसा केस चल रहा है जिसमें एबीवीपी के भी छात्रों का नाम है और यहाँ कम्युनिस्ट छात्रों का भी नाम है, वामपंथी छात्रों का भी नाम है, तो यहाँ पर जो सबूत मुहैया कराता है एबीवीपी, उनको पुलिस सबूत मानेगी? क्या अब उनके दिए हुए सबूत ही सबूत माने जाएंगे? क्या वह अपने खिलाफ कोई सबूत देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह की तस्वीरें पेश की जा रही हैं उस पर भी उंगलियाँ उठ रही हैं। आपको याद होगा जब लिंचिंग का मामला चल रहा था, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, खुद न्यायाधीश ने कहा था कि वीडियो को सबूत के रूप में नहीं माना जाएगा। अब जिस तरह की फ़ोटो सामने आ रही हैं, जिन फोटो में यह कहा जा रहा है, वीडियो में यह कहा जा रहा है वह आयशी घोष हैं और वह भी नकाबपोशों के साथ आई थी, यह काफ़ी निंदनीय घटना है। इस पर पुलिस को एक बार फिर सोचना चाहिए। लेकिन एसआईटी की जो जाँच सामने आई है वह भी काफ़ी चौंकाने वाली है। हम आपको बता दें कि जब व्हाट्सएप से जानकारी ली गई, जिस प्रकार से मैसेज फैल रहे थे, आईसी घोष को भी कई प्रकार की ईमेल आए थे, तो उनको यदि आधार बनाया जाए तो कहीं ना कहीं एबीवीपी के छात्रों की मौजूदगी वहां पर देखी जाती है। और ऐसा सामने आता है कि एबीवीपी के छात्र थे और बाहरी छात्र भी थे। तो एसआईटी ने क्या बताया है, और इसमें कम से कम एसआईटी ने 10 ऐसे नाम लिए हैं जिसमें एबीवीपी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं मनीष जांगीर, उनकी मौजूदगी भी मानी गई है, उन पर भी आरोप है। तो अब पुलिस ने ऐसे करीब 12 लोगों को नामजद किया है और सामने उनकी तस्वीरें आई हैं कि जिनसे पूछताछ की जाएगी। और जेएनयू में 5 जनवरी के दौरान जो हिंसा घटित हुई थी, जिस तरह से आतंकवादी आए थे, उनके ऊपर किसी प्रकार की जाँच की जाएगी और उनके नाम भी सामने आएंगे। और उस आतंकवादी संगठन में यह भी, जो आतंकवादियों का संगठन घुसा था उसके संबंध में यह भी एसआईटी ने कहा है कि उसमें बाहरी छात्र भी हैं, जिसमें वह एबीवीपी के भी नहीं है और वामपंथी भी नहीं है। तो इसमें क्या किसी राजनीतिक दल की साजिश है? क्या कोई राजनीतिक दल यह चाह रहा था कि जेएनयू के अंदर इस तरह की घटनाएं घटित हों? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। एसआईटी की जो जाँच सामने आ रही है और पुलिस की आला कमान कुछ और कह रही है, तो क्या इनके संबंध में उंगली उठाई जाएंगी? दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर उंगली उठाई जाएंगी? क्या गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा जाएगा? तमाम ऐसे सवाल सामने हैं जिनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका लाइक भी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए इजाजत चाहूँगा, नमस्कार।